both Chandigarh Cubs and enjoy all the matches. Thank you so much. Okay, ab tak humne support kiya. Thank you very much. Thank you. Aur ma'am, mere ghar se aapke liye bahut sara pyar. Unko bhi mere tarah bahut aapko. वेल तैयारी आई थिंक इस साल हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिछले साल हमने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली थी एंड आई थिंक उस स्ट्रेस में उस टेंशन में हम आई थिंक फील पे यू नो वो एनर्जी हमारी आई नहीं सो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड हम बिल्कुल तैयारी नहीं करेंगे हम मस्ती में खेलेंगे वी गोइंग टू एंजॉय क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस मैच खेलते हैं हम हमेशा जीत जाते हैं बिकॉज हम बिना किसी टेंशन के खेलते हैं सो दिस टाइम वी हैव डिसाइडेड 10 ओवर का मैच है इंजॉय करो जितना मार सकते हो मारो आउट मत हो एंड जस्ट इंजॉय दैट्स आवर स्ट्रैटेजी We've got three new players, Karan Patel, Sangram and Alok. तो ये तीन नए आए हैं बाकी हमारी टीम एज इट इज़ है हमारी टीम से कोई गया नहीं है विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट थिंग क्योंकि हर टीम में प्लेयर्स की अदला बदली हुई है सब अपनी टीम छोड़कर दूसरी टीम में गए हैं और इधर हुआ है आर टीम इज़ द ओनली टीम जहाँ पे सब प्लेयर्स यू नो चंडीगढ़ कप्स के जो थे वही चंडीगढ़ कप्स में इनफैक्ट तीन नए प्लेयर्स आए हैं बट आर टीम इज़ लाइक एज इट इज़ होर्डिंग्स के लिए ऑडियंस के लिए वेल ऑडियंस के लिए नया हम क्या दिखाना चाहेंगे इस बार न्यू टीम्स ऐड हुई हैं सो आई थिंक पिछले साल से ज़्यादा टीम्स भी हैं ज़्यादा लोग हैं बट आई थिंक नया तो क्या मस्ती एक नई तरीके से होगी एनर्जी नई होगी एंड इट्स ऑन अ डिफरेंट चैनल दिस टाइम कलर्स पे है इस बार तो कलर्स के जो रंग हैं वो बिखेरे जाएंगे बट आई थिंक ऑडियंस शुड एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ फन अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट भारती है हमारी टीम में हमारी एंटरटेनमेंट का डब्बा पिटारा पूरा सो लॉट्स ऑफ फन फ्रॉम आवर साइड वेल सी आर टीम ओके आई थिंक सबसे बड़ी खासियत हमारी टीम की है हमारी टीम की लड़कियाँ मैं अदिति अनीता बानी वीर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स आई थिंक बाकी टीम्स थोड़ा पीछे रह जाती हैं लड़कियों के मामले में तो आई थिंक हमारी टीम में से लड़कियाँ बहुत अच्छा खेलती हैं अदिति जो है हमारी टीम की वो लड़कों से भी अच्छा खेलती है उसकी जब बैटिंग आती है हमें लगता है कि वो बैटिंग करती रहे सो शी इज़ रियली गुड एंड आई थिंक दैट इज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ आर टीम बिसाइड्स दैट आई थिंक वी गॉट रियली गुड प्लेयर्स उदय है जो बहुत अच्छा बैट्समैन है करण पटेल संग्राम आलोक तीनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं सचिन बहुत अच्छा बॉलर है सो हमारा एक अच्छा मिक्स है बैट्समैन और बॉलर वेल जाएंगे तो यही सोच के कि हम जीतेंगे अगर पहले से ही सोचेंगे कि नहीं जीतेंगे तो आई थिंक वी विल नेवर इवन मेक इट टू द सेमीफाइनल्स बट डेफिनेटली मे द बेस्ट टीम विन आई वुड से बट यस वी वुड डेफिनेटली ट्राई टू गेट द कप होम दिस टाइम ऑडियंस को यही बोलूँगी कि प्लीज़ हमारा शो देखिए और चंडीगढ़ कप्स को सपोर्ट कीजिए वी आर द बेस्ट टीम एंड वी आर गोना मेक यू हैव अ लॉट ऑफ फन जो पहले थे वो तो सबको पता है रेमो का नाम बदलना हां जी
खेलने लगा क्योंकि बच्चे ही हैं हमारे सामने, बाकी टीम से ना, तो बच्चे के साथ खेलने की प्रैक्टिस है मेरी प्रिपरेशन। कॉन्फिडेंस का राज है कि मेरे को पता है सामने वाले कितने भोंदू हैं। मेरे को ये अपनी अपनी टैलेंट पे मेरे को भरोसा उतना नहीं है जितना उनकी बेवकूफ़ी पे। नहीं नहीं, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ उनकी बेवकूफ़ी को लेके कि उनके बस की नहीं है। फर्क कैसे बता सकते हैं कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस? अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, देखिए अभी तक कॉन्फिडेंट थे, अब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। बोल सकते हैं उनको, बोलो हमारे YouTube वीडियोस देख देख के सीखो, बच्चों सीखो। वो था मोहम्मद अली की, मोहम्मद भाई की एक और वो है कि व्हेन ही वाज, जब उनसे बात करते ना जॉर्ज फोरमैन से, तो जब रेफरी साइड में रूल्स बता रहा होता है तो वो कहता है कि साइड में बोले जा रहा है, तू जब से बच्चा था ना तब से हमारे बारे में सुनता आया, तू हमें देखता हुआ आया है और कई बार सोचा कि इसके सामने जाऊँ नहीं जाऊँ, और हर बार गीली हो गई और बैठ गया, तू आया नहीं कभी सामने, ठीक है अब तू सामने आ जा, अब कहाँ भागेगा। ये क्यों आप जो नौकरी कर रहे हैं फ्री में, मैं बहुत ही अच्छा, आप जो कमर्शियल नहीं कर रहे, आप बच्चों को शिक्षा देने के लिए, आप जो सफाई कराने के लिए, ये सवाल जो पूछ रहे हैं, ये सीख सबको मिलनी चाहिए आपको। नहीं नहीं, ये एनजीओ ही है, ये एनजीओ ही है, दिस इज एनजीओ। आपको कोई कवर चलते ही हमारे पास, हम सब दोस्त, ये लोग मुझे पैसे देते हैं टीम चलाने के लिए, ये एनजीओ है, दिस इज बेसिकली बहुत ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, ये हमारी हमारी जो जेबें हैं उनको गर्म करने की चैरिटी है। और मैच को लेके करते नहीं है क्योंकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट है अपने क्राफ्ट को लेकर और इतने ओवर कॉन्फिडेंट है उनकी 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 बेवकूफी को लेकर कि और कुछ करने का मन नहीं कर गया। अबे हमारे से टक्कर लेने आगे, इससे बड़ी बेवकूफी है कोई? अक्ल होती तो आते क्या? हाँ, हर 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 गेम में विनर्स और लूजर्स की जरूरत होती है। टक्कर लेना चाहेंगे कि हाँ ये टीम जो हमारे सामने खड़ी हो सकती है? नहीं यार, वो तो देखना पड़ेगा अब कौन कौन कितने बेवकूफ है। जानना चाहेंगे कोई एक मैच आपको याद आता है जो आपको हमेशा आइडल मैच रहा होगा, आपको वो एक्साइट करता है जब भी आप देखते हो उसे यूट्यूब पे या जब भी आप देखते हो? यार मैं मुझे तो इंडिया के सारे मैचेस पसंद हैं और इंडिया पाकिस्तान तो वैसे भी वो मैचेस होते हैं जो सबको एक्साइट करते हैं, और वैसे भी बहुत ही मैं एक्साइटेबल किस्म का आदमी हूँ। इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया
इंडिया ऑस्ट्रेलिया टी ट्वेंटी मजा आ गया, मजा आ गया। लास्ट मैच इंडिया ने लास्ट ओवर का लास्ट बॉल क्या था, इंडियन टीम से अगर कोई प्लेयर लेना चाहे अपनी टीम में जस्ट फॉर वन गेम्स को लेना चाहिए अभी तेंदुलकर मेरे ख्याल फ्री बैठा आजकल, मजा कर रहे हैं सर, मजा कर रहे हैं, उनका नाम लेने से पहले कॉल कर लेते भाई, थैंक यू आपको भी, थैंक यू जी हाँ, यही छपा देना हर जगह। थैंक यू Rajiv Lakshman and Rohit Reddy, and we've got Bharti, we've got Barkha Bish, we've got Manika, we've got Anita and Shiv. खुशी की बात हो रही है, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी खाने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। कहते हैं ना कि खेलने के लिए बॉडी तंदुरुस्त होनी चाहिए, तो ये लोग सब दिमाग से खेले लेकिन मैं शरीर से खेलूंगी, तो मैंने अभी आते आते एक समोसा खा लिया है। मैं नहीं चाहती मैं कहीं भी मैं अपनी टीम को ऐसे वीकनेस फील करवाऊँ, तो इन्होंने किसी ने नहीं खाया लेकिन मैंने आते ही दो दिन समोसे ठूस लिए हैं। खुश हैं आप? आपको मोटी भाती चाहिए कि पतली? हाथी सिर्फ पूरा हाथी बाकी। चलिए सर आपसे मैं मिलती हूँ बाद में। झूठ, मैंने तो देखा ही नहीं किसी को। सबको टेंशन है क्योंकि अभी हमारा खाना नहीं बचेगा। तो सारे कोई ऐसे बैठे एक्साइटेड तो कोई भी नहीं। एक दो ने किया बाकी तो वार्म आप यही चाहते थे मेरे बाल खाल खराब करवाना। Well, what can I say? I'm really, really happy. हम बहुत खुश हैं कि भारती हमारी टीम में आई है. I think you know more power to women. हमारे टीम की लड़कियां वैसे ही I think one of the strongest हैं. Mentally भी अब physically भी. So we're really glad that she's going to be there. And I think भारती के आने से there's a lot of positivity in the team क्योंकि वो खुद इतनी positive person है. She spreads that you know positive energy around, happiness around. So I think हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, we're gonna have a lot of fun with her around. Guys एक मिनट, एक मिनट, हमने बहुत we had to shout doubly for रोहानिका, हमने रोहानिका के लिए जोर से चिल्लाया नहीं, yeah! बाकी हमने स्क्रिप्ट लिख के नहीं दिया बच्चे को। अरे सर मेरे पीछे बैठे थे, मैंने क्या ऐसा करके सर क्या जी इस वक्त जो है जो पहले थे वो तो सबको पता है और आपके भी होंगे। हाँ जी सचिन जी, और इस वक्त नहीं पता मुझे कौन कौन है प्लेयर। विराट कोहली, युवराज सिंह, हैंडसम ने तो युवराज और कोहली साहब, लेकिन कोहली साहब तो कहीं और हैं अभी लगे हुए हैं, तो देखिए कोहली कटोरी को क्या मिलती है हमें। आप उदास हैं मैं इस टीम में आई हूँ पक्का? हाँ क्योंकि मुझे इतना तो आता नहीं क्रिकेट खेलना, लेकिन मैं इनको मेंटली बहुत फ्रेश करूँगी जब भी ये खेल के आएंगे, तो मैं
हंसाऊंगी और मुझे हेड मसाज भी आता है तो हेड मसाज 500 रुपया मैं आधा घंटा करती हूँ, तो आप भी कभी आइएगा। अरे भाई मैं और भी है लोग हैं जिनमें से इतने सारे हैंडसम भालू आपके पीछे हैं, तो किसी का हेड मसाज करना चाहेंगे क्या? हालांकि अभी प्रैक्टिस मैचेस शुरू होने वाले हैं, अब तक तो हमने दोनों ही जीते थे हम, तो हमारी एनर्जी मतलब ऑलरेडी हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। हमारा कंपटीशन हमारी टीम के अंदर ही है, वी कंपीट विद ईच अदर। हम लोग, हमने एक चीज पिछले बार बोली थी कि कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज अ फैमिली। आप कभी भी, मैं प्रैक्टिस के टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी देखो, वी एंजॉय बीइंग दिस टीम, राइट? जब हम खेलते हैं, चाहे किसी का अच्छा दिन हो या ना हो, वी सपोर्ट देम, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ, दैट्स व्हाई नाउ दैट ही इज कम हियर, ही विल रियली हैव अ न्यू एक्सपीरियंस। यार हम लोग किसी को ये नहीं मानते, ये हमारे कॉम्पिटिशन है, ये राइवल्स हैं, कुछ नहीं, वी आर हैविंग फन, वी आर गोना वर्क रियली हार्ड, वी विल प्ले, एंड दैट्स अबाउट इट, दैट्स द रियल स्ट्रेटजी ऑफ आवर टीम। हम लोग प्रैक्टिस के बारे में सीरियस है, मगर प्रैक्टिस के दौरान इतना सीरियस नहीं होंगे। ऑब्वियसली द टीम दैट लास्ट टुगेदर विल यू नो स्टे टुगेदर एंड गोइंग टुगेदर। आप एक दूसरे की टांग खींच सकते हो और उसको हमने टाइम ही 5:15 कर दिया। अगर है तो मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं है। In fact, also the winning team will go to Taiwan from Delhi. अच्छी। वही। मैं बड़ा बेन पास किया। मुझे भी है। So many matches will be played about. जी, approximately इस टाइम round and row tournament है। There 5 teams in each pool. 4 matches minimum per team will be played. And 6 matches, a totality of 6 matches. All 12 हफ्ते के लिए चलेगा ये काम। अगर आप इनको और करीब से जानेंगे ना, आप like I can tell you for a fact that they are one of the nicest, sweetest people, and voice funny. Ever. Really funny, funny. Though, obviously, yeah, but I think genuine sweet. People, they stand for righteousness, they stand for women rights and women empowerment. That is fantastic. आप हर मैच में लगूर आदमी जरूर पहुंचेंगे। तुझे बोला? तुझे भी लगेगा वैसे। लेकिन रघु, जो आपकी जो कंपटीटर्स हैं, उनको डर है कि कुछ भी चीज़ झेल लेंगे, लेकिन रघु की
जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है यार, अगर ये हमारा एडवांटेज है जरूर यूज करेंगे यार। अगर वो मेरे से मेरी गालियों से डरते हैं, इतने फटू हैं, तो हम सब्ती में नहीं देती, लाइक ऑस्ट्रेलिया अलर्ट वाले देते हैं, हमारी लड़ाई में देते हैं, हमारे इंडियन कम देते हैं, लेजेंड होती है ना, तो वो देना जरूरी है कि हम, मैं तो राजनाथ बट बैटिंग लिखता हूँ, मेरी प्रैक्टिस ये होती है, ये लोग बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं तो मैं लिख रहा होता हूँ किसको क्या गाली देती है। नहीं मैं नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि आप सीधा उधर ही देखिएगा 12 फरवरी को। मेरे क्यों पीछे पड़ गया, अभी बाहर तो बताया मैंने। आ रही है फिल्म, मतलब बहुत छोटा रोल है कि आपका पप्पू नीचे गिरेगा, आप उठाएंगे तब तक मेरा खत्म हो जाएगा। वो मैंने फिल्म इसलिए की है क्योंकि जो दिव्या जी हैं, दिव्या कुमार, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उन्होंने कहा कि वो रोल के लिए मुझे तू ही चाहिए। तो मैं बहुत मुश्किल, अनिता को भी पता है, जब हमारा शूट चल रहा था कॉमेडी नाइट बचाओ का, तो मैं 10 दिन मैंने कैसे निकाल के मैं कनाडा गई थी और फिर वाया अमेरिका, पूरा वर्ल्ड घूम के कनाडा अमेरिका से बढ़कर मुझे मेरा शो है, कैसे मैं वापस आई थी। और फिर मैंने जैसे मैं लैंड हुई, मैंने जाके मेकअप किया, तैयार हुई और शूट किया, क्योंकि इतना जेट लैग था, पर फिर भी मैंने किया और उसका बहुत पैसा मिलता है। अरे भाई सिंदूर लाओ, भाई सिंदूर, कनाडा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी मौका आप चैनल, अपने चैनल वाले को दो, हमारे साथ चलें, हमारा पूरी टीम को लेके जाएं। कौन सा चैनल है भाई आपका? Priority Bags, and we have the owner of Priority Bags with us today, Mr. Tushar Jain. So, वो अपनी तरफ से ही like give a token of appreciation to all our team members. Please congratulate them. And Priority Bags very good decision, sir. Best. So, how do you want to roll? So, should we got? Jai Jai, sir. चलो ये बैग मिलके कल ही लद्दाख निकलना पड़ेगा। राजीव के लिए तो बेस्ट चीज है ये प्यारे नेम से। ¿Qué?